नमस्कार दोस्तों, फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल जस्ट स्मार्ट नॉलेज में, जहां पर आपको रोजाना एजुकेशन से रिलेटेड वीडियोस मिलते रहते हैं। दोस्तों, आज की इस वीडियो का हमारा टॉपिक है कि संविधान के बारे में, यानी कि जो भारतीय संविधान है उसमें जो मौलिक अधिकार दिए गए हैं वो क्या हैं और इनके जो अनुच्छेद हैं वो किस किस अनुच्छेद में ये वर्णित हैं। तो आज की इस वीडियो में हम ये बात करने वाले हैं कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो क्या क्या हैं और इनके टाइप्स क्या क्या हैं और उनके अनुच्छेद क्या क्या हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इस रेड बटन पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लीजिए और बगल में जो नोटिफिकेशन बेल का आइकन है उसे भी ऑन कर लीजिए। इससे आने वाले हमारे चैनल पर न्यू वीडियोज़ की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिला करेगी। तो दोस्तों, चलिए आज का वीडियो हम अपना स्टार्ट करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हम जान लेते हैं कि जो मौलिक अधिकार हैं ये कौन से अधिकार होते हैं। तो जो मौलिक अधिकार हैं ये वे अधिकार हैं जो व्यक्ति के जीवन के लिए, यानी व्यक्ति के जीवन जीने के लिए मौलिक होने के कारण, यानी ये वे अधिकार हैं जो व्यक्ति के जीवन जीने के साथ साथ उनके मौलिक होने के कारण ये संविधान द्वारा नागरिकों को प्रदान किए गए हैं और जिनमें जो राज्य है वो हस्तक्षेप नहीं कर सकता है, ठीक है। और ये ऐसे अधिकार हैं जो व्यक्ति के व्यक्तित्व के पूर्ण विकास के लिए आवश्यक हैं और जिनके बिना मनुष्य का अपना पूर्ण विकास नहीं कर सकता है। यानी देखिए, मौलिक अधिकार क्या है। मौलिक अधिकार ये ऐसे अधिकार हैं जिनके बिना जो व्यक्ति है वो अपना विकास नहीं कर सकता है और ये उनके जीवन जीने के लिए मौलिक अधिकार हैं, मतलब जीवन जीने के लिए मौलिक हैं और इन्हें संविधान में इन्हें वर्णित, ये जो मौलिक अधिकार हैं संविधान में वर्णित हैं और इन्हें नागरिकों के द्वारा इन्हें संरक्षित, मतलब नागरिकों को दिए गए हैं और ये संविधान द्वारा संरक्षित किए गए और इन अधिकारों के बिना जो व्यक्ति है वो अपना पूर्ण विकास नहीं कर सकता है। तो ये था कि मौलिक अधिकार क्या होते हैं, मौलिक अधिकार के प्रकार कितने। तो मौलिक अधिकार जो वो 6 प्रकार के हैं। पहला हमारा समानता का अधिकार, फिर है स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, फिर है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, फिर है सांस्कृतिक और शिक्षा संबंधी अधिकार, फिर है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, ठीक है। तो ये अधिकार हैं, मौलिक अधिकार जो हैं। अब हम इनके अनुच्छेद देखते हैं कि इन ये जितने भी मौलिक अधिकार हैं ये संविधान के कौन कौन से अनुच्छेदों में वर्णित है। तो जो हमारे सबसे पहला अधिकार है समानता का अधिकार, ये अनुच्छेद 14 से लेकर 18 तक वर्णित है। और दूसरा है स्वतंत्रता का अधिकार, जिसे हम कहते हैं फ्रीडम राइट्स, ये अनुच्छेद 19 से 22 तक में वर्णित है। और तीसरा है शोषण के विरुद्ध अधिकार, जो कि अनुच्छेद 23 से 24 तक में वर्णित है। और चौथा है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, जो कि अनुच्छेद 25 से 28 तक में वर्णित है। और पांचवा है सांस्कृतिक तथा शिक्षा संबंधी अधिकार, जो कि अनुच्छेद 29 से 30 तक में वर्णित है। और छठा है हमारा संवैधानिक उपचारों का अधिकार, जो कि अनुच्छेद 32 तक में वर्णित है। तो ये तो थे अधिकार, जितने भी हमारे मौलिक अधिकार हैं उनके प्रकार और उनके अनुच्छेद शॉर्ट में। अब हम एक एक करके जितने भी हमारे ये 6 फंडामेंटल राइट्स हैं इन सभी के अनुच्छेदों के बारे में चर्चा करने वाले हैं। यानी जैसे मान लीजिए पहला है समानता का अधिकार, तो इसके अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 16, अनुच्छेद 17, अनुच्छेद 18, इन सभी के बारे में देखेंगे कि संविधान में इन अनुच्छेदों में समानता का जो अधिकार है उसमें क्या क्या बातें कही गई हैं। तो चलिए देखते हैं क्या है ये समानता का अधिकार और ये जितने भी हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं इनके अनुच्छेदों के बारे में। तो सबसे पहला हमारे निकल के आता है समानता का अधिकार। तो समानता का अधिकार जैसा कि अनुच्छेद 14 से 18 तक में वर्णित है, तो हम देखते हैं अनुच्छेद 14 क्या कहता है। तो अनुच्छेद जो 14 है उसमें इसके तहत सभी व्यक्तियों को राज्य के द्वारा कानून के समक्ष समानता और कानून का समान संरक्षण प्राप्त होगा। यानी कि अनुच्छेद 14 क्या कहता है कि इसके तहत सभी व्यक्तियों को राज्य के द्वारा जो कानून के समक्ष यानी कानून जो है वह उन्हें समानता देगा और कानून का उन्हें संरक्षण या समान संरक्षण भी मिलेगा, ठीक है। अनुच्छेद 15 क्या कहता है कि इसके तहत राज्य जो है वो किसी भी नागरिक के विरुद्ध, यानी अनुच्छेद 15 कहता है कि राज्य किसी भी नागरिक के विरुद्ध धर्म, मूल वंश या जाति या लिंग तथा जन्म स्थान आदि के आधार पर कोई भेदभाव नहीं करेगा। यानी कि अनुच्छेद 15 क्या कहता है कि जो राज्य है वो किसी भी नागरिक के विरुद्ध धर्म, जाति, लिंग या जन्म स्थान या मूल वंश या आदि के आधार पर उसके साथ कोई भेदभाव नहीं करेगा, ठीक है। अब है अनुच्छेद 16। तो अनुच्छेद 16 के तहत देश के समस्त नागरिकों को शासकीय सेवाओं में अवसर की समान थी। यानी अनुच्छेद 16 कहता है कि देश के सभी नागरिकों को समान अधिकार है कि वो शासकीय सेवाएं
मतलब शासकीय सेवाओं में उन्हें अवसर समान दिए जाएंगे। ठीक है, अब है हमारा अनुच्छेद 17। तो अनुच्छेद 17 कहता है कि छुआछूत का अंत किया गया। अनुच्छेद 17 के अंतर्गत जो छुआछूत है, भारत में जो छुआछूत था उसको ख़त्म कर दिया गया। ठीक है, और इसको समाप्त करने के लिए जो संसद है उसने एक अधिनियम बनाया था 1955 में, जो कि था अस्पृश्यता अपराध अधिनियम। इसे 1955 में बनाया और इसे उसी टाइम से बहुत ही दंडनीय बना दिया गया, इसे बहुत सी लागूकारी से बना दिया गया था। ठीक है, और बाद में इसे 1976 में इसको संशोधित करके इसे सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1976 में से बना दिया गया था। ठीक है, तो ये तो था अनुच्छेद 17। अब अनुच्छेद 18 क्या कहता है। अनुच्छेद 18 के अनुसार सैनिक और शिक्षा क्षेत्र को छोड़कर राज्य द्वारा सभी उपाधियों का अंत कर दिया गया, यानी कि शिक्षा और सैनिक क्षेत्र को छोड़कर राज्य के द्वारा सभी उपाधियों का अंत कर दिया गया। ठीक है, दूसरा है हमारा स्वतंत्रता का अधिकार, जो कि अनुच्छेद 19 से 22 तक में वर्णित है। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको इसके बारे में नहीं बताऊंगा, क्योंकि मैंने इसके ऊपर ऑलरेडी एक अपना वीडियो बना रखा है 13 से 14 मिनट का, तो आप उस वीडियो को देख सकते हैं, मैं जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो चलिए हम दूसरा अपना अधिकार देखते हैं। तीसरा अधिकार है हमारा शोषण के विरुद्ध अधिकार, जो कि अनुच्छेद 23 से 24 तक में वर्णित था। तो हमारा अनुच्छेद 23 क्या कहता है कि इसके अनुसार मानव व्यापार, यानी कि जो खरीद फरोख है, और बेगार तथा बाल श्रम, यानी कि जो भी 14 साल से कम उम्र के बच्चों तक जो भी काम कराते हैं, वो बाल श्रम, उस बाल श्रम पर प्रतिबंध लगाएगा। लेकिन जो राज्य है वो सार्वजनिक उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए सार्वजनिक सेवा या श्रम योजना लागू कर सकते हैं, उसे ये अधिकार दिया गया। ठीक है, राज्य इस सेवा में धर्म, मूल वंश, जाति या वर्ग के आधार पर कोई भेदभाव नहीं करेगा। जैसे एक उदाहरण लेते हैं हम, बंधुआ मजदूरी। जो बंधुआ मजदूरी है उसको समाप्त करने के लिए 1975 में बंधुआ मजदूरी का उन्मूलन अधिनियम पारित किया गया था। ठीक है, तो ये था हमारा अनुच्छेद 23। अब हम देखते हैं अनुच्छेद 24 ये क्या कहता है। तो अनुच्छेद 24 जो है इसके अनुसार बाल श्रम पर निषेध लगा दिया गया, यानी कि जो भी 14 वर्ष से कम उम्र के किसी भी बच्चे को कारखाने, खदानों या खतरनाक कार्यों में नहीं लगाया जा सकता है। यानी कि अनुच्छेद 24 क्या कहता है, इसके अनुसार जो बाल श्रम है उस पर निषेध लगा दिया गया, उस पर रोक लगा दी गई, जिसके अनुसार 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को किसी भी कारखानों, खदानों या खतरनाक कार्यों में नहीं लगाया जाएगा। तो ये तो था हमारा तीसरा शोषण के विरुद्ध अधिकार, अनुच्छेद 23 से 24। अब हमारा अगला अधिकार है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, जो कि अनुच्छेद 25 से 28 तक में वर्णित है। तो अनुच्छेद 25 क्या कहता है देखते हैं। अनुच्छेद 25 के अनुसार देश के प्रत्येक नागरिक को किसी भी धर्म को मानने व आचरण करने और प्रचार प्रसार करने का अधिकार होगा, लेकिन सार्वजनिक व्यवस्था व समाज कल्याण एवं सुधार आदि के अंतर्गत इस पर रोक लगाई जा सकती है। यानी कि देखिए, अनुच्छेद 25 कहता है कि इसके अनुसार देश के प्रत्येक नागरिक को ये अधिकार है कि वो कोई भी धर्म चुने, उसको कैसा भी आचरण अपनाए, किसी भी धर्म का प्रचार प्रसार करे। ठीक है, लेकिन जब बात आती है सार्वजनिक व्यवस्था की, तो सार्वजनिक व्यवस्था व समाज कल्याण, इसके सुधार एवं आदि के लिए इसके अंतर्गत आपकी स्वतंत्रता पर भी रोक लगाया जा सकता है। ठीक है, लेकिन कब लगाया जाएगा, जब सार्वजनिक व्यवस्था और समाज कल्याण के सुधार के लिए होगा। ठीक, यह था अनुच्छेद 25। अब अनुच्छेद 26 क्या कहता है। इसके अनुसार धार्मिक प्रयोजन के लिए संस्था बनाने, उसका पोषण करने और धार्मिक कार्यक्रम के प्रबंध के लिए संपत्ति अर्जित करने का अधिकार। यानी कि देखिए, अनुच्छेद 26 के अनुसार धार्मिक प्रयोजन, यानी कि धार्मिक संस्था बनाने के लिए, उसका पोषण करने के लिए, यानी कि उसको चलाने के लिए, उसके कार्यों के प्रबंध के लिए, उसकी संपत्ति के लिए, उसके खर्चे के लिए, वो उन्हें ये अधिकार है कि वो अर्जित कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि राज्य जो है उन पर रोक लगाए कि आप ये मतलब कि ये प्रचार प्रसार क्यों कर रहे हैं, आप ये संस्था क्यों बना रहे हैं, ऐसा राज्य जो है वो उनके साथ नहीं करेगा। ठीक है, तो ये तो थे हमारे अनुच्छेद 25 और 26। अब है अनुच्छेद 27। इसके अनुसार क्या है कि किसी भी व्यक्ति को किसी धर्म या संप्रदाय विशेष के पोषण हेतु देने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। यानी कि देखिए, अनुच्छेद 27 कहता है इसके अनुसार किसी भी व्यक्ति को किसी भी धर्म या संप्रदाय विशेष के हेतु कर देने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। यानी अनुच्छेद 27 कहता है कि किसी भी व्यक्ति को धर्म या संप्रदाय विशेष के आधार पर उन्हें ये मजबूर नहीं किया जाएगा कि आप हमें इसके लिए कर दीजिए। ठीक है,
अनुच्छेद 28 कहता है, इसके अनुसार राज्य निधि से वित्त पोषित या आर्थिक सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। यानी कि अनुच्छेद 28 कहता है कि जो राज्य है उसके द्वारा किसी भी धार्मिक संस्था को आर्थिक सहायता तथा शिक्षण संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी, ठीक है, और ना ही किसी भी व्यक्ति को धार्मिक शिक्षा या धार्मिक अनुष्ठान में भाग लेने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता है। उन्हें ये आज़ादी कि वो कोई भी धार्मिक हवन वगैरह कुछ भी करवाएं, उसके लिए जो राज्य है उन्हें दंडित नहीं करेगा, उनके बीच में हस्तक्षेप जो है वो नहीं करेगा, ठीक है। अब अधिकार नंबर 5 जो कि संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार, ये अनुच्छेद 29 से 30 तक में वर्णित है। तो अनुच्छेद 29 का कहता है कि इसके अनुसार देश के प्रत्येक नागरिक को अपनी भाषा लिपि या संस्कृति को सुरक्षित रखने का पूर्ण अधिकार होगा, और राज्य द्वारा आर्थिक सहायता प्राप्त किसी भी शिक्षण संस्था में किसी भी नागरिक को धर्म व मूल वंश व जाति और भाषा आदि के आधार पर प्रवेश लेने से वंचित नहीं किया जा सकता। यानी कि देखिए अनुच्छेद 29 क्या कहता है कि इसके अनुसार प्रत्येक नागरिक को अपनी भाषा या लिपि या संस्कृति को सुरक्षित रखने का पूर्ण अधिकार होगा, और जो हमारा राज्य है उसके द्वारा आर्थिक सहायता प्राप्त किसी भी शिक्षण संस्था, यानी कि राज्य के द्वारा किसी भी शिक्षण संस्था को अगर आर्थिक सहायता दी गई है तो वहाँ पर जो नागरिक हैं उनको धर्म मूल वंश जाति या लिंग या भाषा के आधार पर उन्हें प्रवेश लेने से वंचित नहीं किया जाएगा, ठीक है। तो ये था हमारा अनुच्छेद 29। अब हम देखते हैं अनुच्छेद 30 क्या कहता है। तो अनुच्छेद 30 के अनुसार धर्म या भाषा पर आधारित सभी अल्पसंख्यक वर्गों को अपनी पसंद की शिक्षण संस्था की स्थापना करने और प्रशासन का अधिकार होगा, और तथा जो राज्य है इस आधार पर शिक्षा संस्थाओं को आर्थिक सहायता देने के लिए कोई भेदभाव नहीं करेगा। यानी कि देखिए अनुच्छेद 30 क्या कहता है कि इसके अनुसार धर्म या भाषा पर आधारित सभी अल्पसंख्यक वर्गों को अपनी पसंद की शिक्षण संस्था की स्थापना करने और प्रशासन का अधिकार होगा, यानी कि उसकी स्थापना करने का और उसको चलाने का उसे अधिकार होगा अपनी मनपसंद शिक्षण संस्था का, ठीक है, और जो राज्य है वो इस आधार पर शिक्षा संस्थाओं को आर्थिक सहायता देने के लिए कोई भी विभेद नहीं करेगा, ठीक है। तो ये तो था हमारा अनुच्छेद नंबर 30। अब हमारा अगला जो अनुच्छेद नहीं अगला हमारा जो अधिकार है वो अधिकार है अधिकार नंबर 6 संवैधानिक उपचारों का अधिकार, जो कि अनुच्छेद 32 में ही वर्णित है, केवल ये एक ही अनुच्छेद में वर्णित है। तो अनुच्छेद 32 क्या कहता है कि इसके अनुसार यह अधिकार मौलिक अधिकारों के लिए प्रभावी कार्रवाइयां न्यायालय के द्वारा करवाता है। यानी कि अनुच्छेद 32 कहता है कि ये जो अधिकार वे मौलिक अधिकारों के प्रभावी जो मौलिक अधिकारों के लिए प्रभावी कार्यवाही है उनके लिए न्यायालय जो है वो इसके द्वारा ये करवाता है, ठीक है, और इस अधिकार के तहत यदि किसी व्यक्ति के मौलिक अधिकार का उल्लंघन हुआ है तो वह सीधे सर्वोच्च न्यायालय में जा सकता है और वहाँ पर अपनी याचिका दायर कर सकता है। ये अनुच्छेद 32 के अंतर्गत कहा गया है, और ये अनुच्छेद 32 के अंतर्गत ये भी कहा गया है कि जो सर्वोच्च न्यायालय है वो मौलिक अधिकारों की सुरक्षा के लिए कई जो रिट हैं वो जारी करता है, और इसमें ये भी कहा गया है कि जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हैं उन्हें भारतीय संविधान की आत्मा कहा गया है। यानी कि जो हमारे देश के डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हैं उनको भारतीय जो संविधान है उसकी आत्मा भी कहा जा सकता है, मतलब कहा जाता है, ठीक है, और जो हमारा सर्वोच्च न्यायालय है उसे 5 तरह के जो रिट जारी करने के आदेश हैं, मतलब उसे अधिकार जो दिए गए वो इस तरह से हैं, पहला है बंदी प्रतीक्षकरण, दूसरा है परामदेश, तीसरा है प्रतिषेध, चौथा है उत्प्रेक्षण प्रतिषेध, पांचवा है अधिकार प्रत्याख्या। ये जो रिट है वो सर्वोच्च न्यायालय को दिए गए हैं उसे लागू करने के लिए ये अधिकार दिए गए हैं, ठीक है। और दोस्तों हमने संविधान के ऊपर अपना एक और वीडियो बना रखा है जिसमें मैंने आपको बताया कि संविधान क्या होता है और जो भारतीय संविधान है उसका निर्माण किस तरह से हुआ है, तो और हमने जो एक अपना टॉपिक छोड़ा था इस वीडियो में वो था हमारा टॉपिक स्वतंत्रता का अधिकार, और उस अधिकार के ऊपर मैंने अपना एक वीडियो बना रखा है तो आप उस वीडियो को देख सकते हैं। इन दोनों वीडियोस के जो लिंक है मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से देख लीजिएगा। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कीजिए इस वीडियो को, और ऐसी वीडियोस पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और वीडियो ज़्यादा ही अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए ताकि वो भी इसे कुछ सीख सकें।
तो दोस्तों मिलेंगे हम अपनी अगली और नई एक्साइटिंग वीडियो के साथ, तो मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद।